हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू स्वस्तिक अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 18। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। इसमें जो पॉइंट्स समझाऊंगी आज आपको, लेजिस्लेशन कंसर्निंग कंज्यूमर राइट्स और रिलेटेड टू कंज्यूमर सर्विस, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर्स, मेजर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड GTR यानी ट्रिब्यूनल कोड, योर इंट्रोडक्शन में इससे रिलेटेड पॉइंट्स में आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। सो लिसन केयरफुली बच्चों, आज मैंने आपको बोला कि लेजिस्लेशन कंसर्निंग कंज्यूमर राइट्स यानी कि जो कंज्यूमर्स के अधिकार हैं उससे रिलेटेड जो लॉ है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ सोशल इकोनॉमिक एक्ट्स ऑफ इंडिया एंड इज हेल्पफुल टू पीपल। ये लोगों के लिए बहुत मददगार है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन फॉर द प्रोटेक्शन राइट ऑफ कंज्यूमर एंड देयर इंटरेस्ट, दिस इज मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड एक्सेप्टेबल लॉ विच प्रोवाइड्स फॉलोइंग प्रोविजन। जो कि नीचे दिए गए आपको जो भी रीजन है मैं आपको समझाऊंगी। पहला है उसमें रिलेटेड टू कंज्यूमर सर्विस। अंडर द अबव लेजिस्लेशन इन टर्म ऑफ ट्रेडर कमोडिटी एंड सर्विस अ कंज्यूमर मे बी डिफाइंड एज फॉलोज। इन टर्म ऑफ कमोडिटी अ कंज्यूमर इज वन हु हैज लीगल प्रोटेक्शन फॉर दिस any of the following person. If a person has made payment or has promised to make payment or has agreed for any offered mode of payment in view to purchase of any commodity or service is called a consumer. जो इंसान किसी भी तरह से payment करता है और चीज़ को खरीदता है वो consumer कहलाता है। The person who pays the value of product, जो किसी भी product की value pay करता है, either in the form of installment or by hire purchase system or hire a service, either receives a service is called a consumer. So, but if any person sells a purchased product for business or commercial purpose or provides free of cost services or the services under personal service agreement, they are not covered under the legislation and are not protected. अगर कोई अपने इच्छा से कोई सर्विस देना चाहता है लेकिन वो मेंशन नहीं है तो किसी भी लेजिस्लेशन प्रोसेस में नहीं आता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ टू सी दैट कंज्यूमर्स गेट द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ हाई क्वालिटी अलॉन्ग विद इट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर आर ऑल्सो सीन। इस तरह से कस्टमर्स का प्रोटेक्शन भी देखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इफ द टाइप क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज वेल एज द एग्रीमेंट आर नॉट एज पर प्रिवेलिंग लॉ और प्रोवाइडेड सर्विसेज आर डिफेक्टिव एंड डेफिशिएंट ऑफ कमोडिटी इज सब स्टैंडर्ड क्वालिटी द कंज्यूमर में कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। अगर हमें लगता है कि हमने कोई चीज़ ली और वो प्रॉपर उसकी क्वालिटी नहीं है मेंटेन और हमें जो बताया गया था वो सारी चीज़ें उससे फुलफिल नहीं हो रही हैं तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। क्या राइट है कंज्यूमर्स के? कंज्यूमर कमिट्स mistakes in selection of right commodity due to lack of information regarding different types of commodities available in the market and could not receive proper incentive on money spent buying। और हमने से कोई चीज़ खरीदी हमको उस वक्त लग रहा था सही है लेकिन वो प्रॉपर नहीं है तो his money is wasted। He expresses regret that he has been cheated। He invites many types of diseases by purchasing edible objects of low quality, duplicate or adulterated and low quality which harms the health, moral standard of society goes down due to immoral activities like under measurement, adulteration and duplication, cheating, looting in price and corruption। बच्चों वो जो हमने कोई प्रोडक्ट लिया है और अगर वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, हमने जिस टाइम लेने लगे थे तो हमें लग रहा था सही है लेकिन बाद में सारी चीज़ें जो हमने सोची थी उस में क्वालिटीज़ होंगी और वो फुलफिल नहीं हो रही तो एक तरह से हम चीट हमें कर दिया गया। तो इसके लिए लॉज बनाए गए हैं सबसे कि लोग किस तरह से उनको अगर चीट हो गए हैं तो उसके अगेंस्ट अपनी जो प्रोटेक्शन है अपने राइट्स हैं उनको फुलफिल कर पाए। राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर हैज राइट टू बी प्रोटेक्टेड इफ द कमोडिटी और सर्विस इज डेंजरस और हार्मफुल फॉर हेल्थ। ही हैज अ राइट टू गेट प्रोटेक्शन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, द कंज्यूमर शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, कैपेसिटी, प्योरिटी, क्लास, स्टैंडर्ड, यूजेस, प्राइस एटसेट्रा ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज सो दैट ही मे बी प्रोटेक्टेड इन द मार्केट अगेंस्ट मैन प्रैक्टिस और करप्ट प्रैक्टिस।
With the help of right to information, the consumer is encouraged to behave responsibly. The consumer gets information from label, packing, advertisement, price list, government, public news and reports. बहुत तरीके से जब हम किसी प्रोडक्ट को लेते हैं और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए. सो राइट टू चूज, कंज्यूमर हैज राइट टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड कॉम्पिटिटिव रेट्स, चूजिंग कमोडिटी और सर्विस विच कुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड हैज गुड क्वालिटी. ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू चूज इज कन्फर्म रीजनेबल प्राइस, सेटिस्फैक्ट्री सर्विस एंड एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी. कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू चूज सच अ कमोडिटी विच इज मोस्ट कन्वीनियंट. इंसान को पूरी उसकी एक अधिकार है कि वो अपनी कोई भी आवश्यकता की वस्तु किसी भी ब्रांड का चूज कर सकता है. राइट टू बी हर्ड और राइट टू बी रिप्रेजेंट. अंडर दिस लॉ सच एन अरेंजमेंट आर मेड इन विच राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड, रिप्रेजेंटेड एंड कंसिडर्ड. यानी कि इंसान जो भी सुने उससे रिलेटेड कोई अगर प्रोडक्ट ले रहा है तो वो प्रॉपर वैसा ही होना चाहिए. देयर आर ऑल्सो प्रोविजंस टू मेक अरेंजमेंट विच नॉन पॉलिटिकल नॉन कॉमर्शियल कंज्यूमर सोसाइटी फॉर्म हैविंग इट्स ओन कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव हु कैन रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट प्रॉपरली. जो कि उनके रिलेट करने वाले जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी इंटरेस्टर से फुलफिल करे ऐसी उन्होंने जो सुनी है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें वो प्रॉपर होनी चाहिए. राइट टू सीक रिड्रेसल. दिस राइट गिव्स राइट टू द कंज्यूमर टू मेक कंप्लेन अगेंस्ट डिसऑनेस्ट कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस और लॉस ड्यू टू द नेग्लिजेंस और एथिकल एक्सप्लॉयटेशन. कोई नेग्लिजेंस है, एथिकल जो एक्सप्लॉयट हुआ है उससे रिलेटेड जो भी कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसको अपनी बात को रख सकते हैं. इन दिस कंज्यूमर में आस्क फॉर वन और मोर देन वन रिलीफ लाइक एक्सचेंज ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ मनी, रिपेयर विदाउट आस्किंग फॉर चार्ज. कंज्यूमर में आस्क फॉर द इंसेंटिव और नॉट बट इट एंटाइटल टू गेट इंसेंटिव. इंसान बहुत सारी जो कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड है चाहे वो मनी है, रिपेयर है या एक्सचेंज है उसके बारे में बात कर सकता है अगर वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही है. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. दिस राइट एंश्योर्स दैट अ कंज्यूमर गेट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डेवलप पेशेंस एंड स्किल. की एजुकेशन उसका अधिकार है कि कंज्यूमर एजुकेशन को प्राप्त करे और एक्सप्लॉयट ना हो, विलेज लेवल हो या किसी की तरह की इग्नोरेंस हो, लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए. साथ ही साथ बाय इंक्लूडिंग इन द स्कूल क्यूरिकुलम जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं एफर्ट्स लेने चाहिए. डिस्कशन सेशन होने से एग्जिबिशन होने एंकरेज डिस्करेजेस या वो कैंप्स लगाए जाने चाहिए जिससे कि लोगों को पता चले. फिर क्या ड्यूटीज हैं कंज्यूमर्स की. एज द कंज्यूमर आर कॉशन अबाउट देयर राइट्स इन द सेम वे दे शुड शो रिफ्लेक्सेस टुवर्ड्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज. उन्हें अपनी ड्यूटीज भी देनी चाहिए. जब हम कोई भी कमोडिटी को परचेज करते हैं तो कंज्यूमर को करेक्ट चॉइस रखनी चाहिए. एट दैट टाइम ऑफ परचेजिंग अ प्रोडक्ट कंज्यूमर शुड परचेज द प्रोडक्ट हैविंग गुड क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस, गारंटी और वारंटी आफ्टर सेल सर्विस. ही शुड परचेज गुड सेलिंग स्टैंडर्ड जो कि उसमें एगमार्क, ISI, BIS इस तरह के साइन होने चाहिए. वाइल परचेजिंग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू परचेज ऑफ स्टैंडर्ड और ब्रांडेड आइटम्स ऑनली. ब्रांडेड चीज़ नहीं खरीदे तो ज़्यादा बेहतर रहता है. एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम मैनी प्रोडक्ट चॉइस हैज़ टू बी मेड. हमारे पास बहुत सारी चॉइस होती हैं सो हमें चेक कर लेना चाहिए कि सही इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर चीज़ है. अपना कैलकुलेशन इक्वल देखने के बाद ही हमें उसको खरीदना चाहिए. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर दैट हिज कंडक्ट और बिहेवियर टूवर्ड सेलर और प्रोड्यूसर शुड बी जेंटल और बोनाफाइड. कि वो जो सेल करने वाला है वो जेंटल और बोनाफाइड होना चाहिए. अ कंज्यूमर शुड इंसिस्ट ऑन हैविंग ओरिजिनल बिल और ओरिजिनल रिसीप्ट ऑफ आइटम्स और सर्विसेज परचेज बाय हिम. ही शुड ऑल्सो इंसिस्ट ऑन गेटिंग वारंटी कार्ड, फील्ड सिग्नेचर ऑफ सेलर शुड बी देयर अलॉन्ग विद स्टैम्प. ये सारी चीज़ें हमें लेनी चाहिए. स्टैम्प हमें रिसिप्ट लेनी चाहिए. कंज्यूमर शुड कम टुगेदर एंड फॉर्म वॉलेंट्री कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन एट नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन कॉमर्शियल लेवल. इस तरह से हमने अपनी पूरी जो हमारी ड्यूटीज हमें निभाना चाहिए. कंज्यूमर को वर्बल और रिटर्न कंप्लेन करनी चाहिए ऑफिसर्स को, रिलेटेड डिपार्टमेंट को. साथ ही साथ कंज्यूमर को परचेज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की सेफ्टी प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट, वेट, बैच नंबर. कंज्यूमर को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि
उसमें कोई मिलावट ना हो, डुप्लीकेसी ना हो और कंज्यूमर को हमेशा प्रोडक्ट से रिलेटेड सफिशियंट क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए और जिससे का उसकी पैसा वेस्ट ना हो। जब कोई भी सामान कंज्यूमर खरीद रहा है तो उसको उसका वेइंग स्केल, इम्प्लीमेंटेशन, मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, उसकी जो यूटिलिटी है वो प्रॉपर होगी या नहीं, सारी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। द सील ऑफ द गैस सिलेंडर शुड बी ऑलवेज बी चेक। हमें गैस सिलेंडर की सील को भी चेक करके ही लेना चाहिए। अ कंज्यूमर शुड ईदर हिमसेल्फ गो टू कंज्यूमर फोरम और शुड कंप्लेन थ्रू कंज्यूमर सोसाइटी अगेंस्ट द नेग्लिजेंस इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ रेलवे, बैंक, इंश्योरेंस, टेलीफोन, हॉस्पिटल सर्विसेज। कोई भी तरह से मेंटल या फिजिकल हैरेसमेंट या इकोनॉमिकली हमें नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ का हमें हमेशा से नॉलेज में रहना चाहिए। अ कंज्यूमर शुड पार्टिसिपेट इन एंथुसिएटिकली इन डिफरेंट कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स मूवमेंट अरेंज बाय द कंज्यूमर सोसाइटी, डिस्कशन और सेमिनार्स हमें भाग लेना चाहिए। हमें कल जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मेजर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझाऊंगी कि किस तरह से हम जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं उनको पूरा तरह से समझें। सो आज यहीं पे पार्ट खत्म होता है, पार्ट 4। रिमेनिंग पार्ट पॉइंट्स आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू।